मणिपुर में हमने अपकमिंग प्रोजेक्ट नौ है जिसकी कीमत है 1382 करोड़, या 1382 किलोमीटर रोड की लेंथ है और कीमत है 25,828 करोड़। उत्तर पूर्वे जातीय सड़क निर्माण 152 प्रकल्पे 1,37,877 কোটি টাকা ব্যয় করবে কেন্দ্র। আজ গুয়াহাটিতে সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা ঘোষণা করেন কেন্দ্রের সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গড়কারি। তিনি বলেন এই অর্থ 6,575 কিলোমিটার সড়ক নির্মাণে ব্যয় করা হবে। গুয়াহাটিতে রিং রোড নির্মাণের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হয়েছে। আগামী ডিসেম্বরে অথবা জানুয়ারিতে এই প্রকল্পের শিলান্যাস করতে গুয়াহাটিতে আসবেন বলে জানান নীতিন গড়কারি। 6,100 কোটি টাকা ব্যয়ে 81 কিলোমিটার রিং রোড গুয়াহাটিতে নির্মাণ করা হবে। বাইহাটা চারিয়ালি থেকে সোনাপুর পর্যন্ত 6 লেনের রিং রোড নির্মাণ করা হবে। সেই সঙ্গে গুয়াহাটি বাইপাসকে 6 লেনে চওড়া করার পরিকল্পনাও চূড়ান্ত। গুয়াহাটি রেলস্টেশন থেকে কামাখ্যা মন্দির পর্যন্ত রোপ নির্মাণের কাজও শীঘ্র শুরু হচ্ছে। নীতিন গড়কারি এও জানান আসামে বাঁশ ভিত্তিক শিল্প গড়ে তোলা হচ্ছে, এর পাশাপাশি ইথানল মিথানল উৎপাদনে জোর দেওয়া হচ্ছে। মণিপুর মে আমনে আপকামিং প্রজেক্ট নৌ হ্যায় জিসকি কিমত হ্যায় 1382 কোটি, যা 1382 কিলোমিটার রোড কি লেন্থ হ্যায় অর কিমত হ্যায় 25,828 করোড়। বাদ মে অনগোইং প্রজেক্ট হ্যায় 46, লেন্থ হ্যায় 934 কিলোমিটার, कॉस्ट है 14,378 करोड़ रुपए। बाद में प्रोजेक्ट जो कंप्लीट हुए मणिपुर में वो 27 है, 480 किलोमीटर की लेंथ है और 3,706 करोड़ रुपए हमने इसमें खर्चा किए हैं। टोटल अगर देखा जाए मणिपुर का तो ये आएगा 82 प्रोजेक्ट, 2,796 किलोमीटर और टोटल कॉस्ट आती है 42,707 रुपीज। फिर मेघालय में अपकमिंग प्रोजेक्ट 24, हमने लेंथ 548, कीमत 30,025 और ये भी इसी प्रकार से ये लिस्ट मैं आपको दे रहा हूँ जो पढ़ने के लिए समय नहीं का होता। ये टोटल अपकमिंग प्रोजेक्ट इन नॉर्थ ईस्ट 152, लेंथ इन किलोमीटर 6,575 और इसकी कीमत है 1,37,877 करोड़। बाद में ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है 275, लेंथ है 5,368 किलोमीटर, इसकी कॉस्ट है 1,09,451 करोड़ रुपए। जो प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट में कंप्लीट हुए हैं वो है 367 प्रोजेक्ट, लेंथ है 5,527 किलोमीटर और कॉस्ट है 42,098 करोड़ रुपीज। बाद में इसमें जो टोटल कॉस्ट आएगी जो नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहे हैं हम लोग वो 794 प्रोजेक्ट, 17,470 किलोमीटर लेंथ और कीमत सब पकड़ के 3,00,000 करोड़ तक जाएगी। एनएच लेक जो थी वो हमारी, ये भी हमने 10,000 किलोमीटर से 16,000 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में बढ़ाई है और लगातार मुझे खुशी है कि नॉर्थ ईस्ट में रोड में भी, एयरपोर्ट में भी, रेलवे में भी, टोटल कनेक्टिविटी में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है। जो एनएच की लेंथ थी 2014 में वो नॉर्थ ईस्ट की 10,887 किलोमीटर थी और अभी 15,740 किलोमीटर हुई है। आसाम में 7%, अरुणाचल प्रदेश में 140%, मणिपुर में 27%, मेघालय में 0%, मिजोरम में 23%, नागालैंड में 60%, त्रिपुरा में 80%, सिक्किम में 384%, ऐसी टोटल 45% लेंथ बड़ी है। जो बड़े बड़े ब्रिज हमने बनाकर कंप्लीट किए हैं वो 3 ब्रिजेस पूरे हुए हैं, उसके बारे में मेरे पास फोटोग्राफ्स है, मैं कॉपी भी आपको दे रहा हूँ और ये बहुत इम्पोर्टेंट रोड और इसके फोटो भी है, ये आपके पुस्तिका में है। इससे बहुत बड़ा सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ेगा, रोजगार निर्माण होंगे, विशेष रूप से टूरिज्म बढ़ेगा और ग्रोथ बढ़ेगी, तो ये बहुत अच्छा काम हुआ है। जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मुख्यमंत्री जी ने आसाम के लगातार मुझे बताइए
वो गुवाहाटी ग्रीनफील्ड रिंग रोड की हमने प्लान फाइनल किया है। मैं दिसंबर जनवरी में इसके भूमि पूजन के लिए आऊँगा। 6,100 करोड़ की लागत से 81 किलोमीटर 6 लेन का रिंग रोड हम बना रहे हैं, जिसमें 5,800 करोड़ की लागत से बेहटा चरियाली से नरेंद्री होकर सोनापुर तक 55 किलोमीटर 6 लेन हिस्सा ग्रीनफील्ड होगा। और इसे हम लोग फरवरी के पहले जनवरी में आकर अवार्ड करेंगे। गुवाहाटी में 26.4 किलोमीटर बाईपास को रिंग रोड में बदलने के लिए 6 लेन चौड़ा किया जा रहा है, जिसमें 300 करोड़ की लागत से 16.4 किलोमीटर 6 लेन चौड़ीकरण का काम मार्च 2024 में हो जाएगा। इसमें बोरगांव, गोरचुप, लोकरा, वशिष्ठा में फ्लाईओवर एवं बिहारबारी में बीयूपी का निर्माण किया जा रहा है। खानापारा से जोरहाट तक 10 किलोमीटर 6 लेन चौड़ीकरण का DPR मार्च 2024 तक पूरा हो जाएगा। तो दूसरा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है आसाम के लिए, और जिसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी काफ़ी फॉलोअप है, वो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए कालियाबोर से नुमालीगढ़ NH 715, यहाँ 7,700 करोड़ की लागत से, क्योंकि इन्वायरमेंट फॉरेस्ट के क्लियरेंस के बाद 4 लेन 35 किलोमीटर एलिवेटेड रोड है, ये टोटल 50 किलोमीटर है। और इसका DPR अभी पहले आसाम स्टेट PWD बना रही थी, बाद में मुझे ध्यान में आया कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नई टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू पियर 30 मीटर रहता था, इसमें हम 120 मीटर कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट कॉन्क्रीट, अल्ट्रा इन्फोर्समेंट कॉन्क्रीट, ये जो ऊपर वाला पियर होगा ये स्टील फाइबर में कॉस्टिंग होगा, तो जिससे 2 पियर का खर्चा कम होगा। तो ये इम्पोर्टेंट एलिवेटेड 3 भागों में है, पहला हिस्सा 19 किलोमीटर, दूसरा हिस्सा 11.5 किलोमीटर और ये वैसे स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट है। और इसमें हमने विशेष रूप से काजीरंगा में जो वाइल्ड लाइफ है उसकी, जो पहाड़ पे जाते हैं उनकी जाने की व्यवस्था भी नीचे से कराई है। जो डेवलपमेंट के लिए एक रोप वे कामाख्या मंदिर से रेलवे स्टेशन तक, उसकी अलाइनमेंट CM साहब ने फाइनल कर दी है, और इससे 70% रिडक्शन होगा और ट्रैफिक भी जाम भी कम होगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका टेंडर दिसंबर 2023 में निकल जाएगा और फरवरी में इसको हम अवार्ड कर देंगे। इसका DPR चल रहा है, CM साहब को मैंने रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने इसकी अलायंस को इसको अप्रूवल भी दे दिया है अलाइनमेंट। तो ये एक आसाम में एक बहुत महत्वपूर्ण रोड पे बन रहा है। एक CRF में आसाम में अभी तक 2,104 करोड़ की लागत से 1,668 किलोमीटर की 174 परियोजनाएं हमने स्वीकृत की थी, जो राज्य मार्ग पर है। वार्षिक एक्रुअल 164 करोड़ का है और हम CRF में मैं आज और 600 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूं, और ये 600 करोड़ के प्रपोजल CM साहब की तरफ से जैसे आएंगे हम इसको पूरा करेंगे। ये जो यूटिलिटी सर्टिफिकेट है, यानी पैसा खर्चा करने के बाद अगर वो हमको देंगे तो हम तुरंत पैसा रिलीज कर देंगे। फिर सेतु बंधन करके योजना है, जिसमें ROB हम ब्रिजेस तैयार कर रहे हैं, उसमें भी आज मैं आसाम के लिए 200 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ। इन ROB और ब्रिजेस का स्टेट हाईवे के रोड पर के मंत्रालय में दे रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ, इसका भी डिटेल मुख्यमंत्री जी हमें भेज दे, मैं उसको क्लियर कर दूँगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आसाम नॉर्थ ईस्ट में बहुत पोटेंशियल है, विदेश में जाने के बजाय टूरिज्म यहाँ अच्छा डेवलप हो सकता है, और टूरिज्म ऐसा फील्ड है जहाँ 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पर खर्चा होती है। तो मुझे लगता है कि सभी जगह रोड के कारण बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। एक मेरा रुचि का विषय, मैं बांबू में काम करता हूँ, तो जो भी धोपा बनेगा तो मैं CM साहब को अनुरोध करूँगा पूरे नॉर्थ ईस्ट में ये अगरबत्ती की काड़ियाँ बनाने की एक छोटी छोटी फैक्ट्री खुल जाएगी, और ये काढ़ी पानी से डायरेक्ट हल्दिया से पूरे वर्ल्ड देश में जाएगी, तो अगरबत्ती की काढ़ियाँ इम्पोर्ट नहीं होगी हमारे देश में, अभी उसको बैन किया है। इससे आसाम में बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा। मुझे बहुत खुशी है, जब मैं MSME मंत्री था तो आसाम में बाम्बू से चम्मच बनाने का काम हुआ। फिर मैंने इंडिगो को बुलाया था, एयरलाइंस को कहा था कि आप ये चम्मच, ये भी चाइना से इम्पोर्ट हो रहे थे, तो मैंने मजाक में कहा कि हिंदुस्तान में क्या चमचों की भी कमी है। तो अभी मुझे खुशी है कि आसाम में बने हुए चम्मच पूरे एयरलाइंस में
आप बाम्बू के यूज हो रहे हैं, और इसलिए बाम्बू से ये जो नुमालीगढ़ में जो बायो इथेनॉल तैयार होता है, तो वहाँ के जो MD है वो हमारे नागपुर में MECL में थे, मुझे मिलने के लिए आए, तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि बाम्बू से बना हुआ इथेनॉल पेट्रोल में ऐड करके जो बांग्लादेश में पाइपलाइन से जा रहा है उसमें 20% ऐड कर दो, तो बांग्लादेश का फ्यूल का रेट भी बचेगा, उनके भी पैसे कम होंगे, पोल्यूशन भी कम होगा, और आसाम के बाम्बू को लाने का, ट्रांसपोर्ट करने का एक नई इंडस्ट्री, इसका विकास आसाम में होगा। कल मैंने बाम्बू सूप खाया, मुझे बड़ा अच्छा लगा, पहली बार खाया। तो बाम्बू से अचार बनता है, बाम्बू से कपड़े बनते हैं, बाम्बू से अंडर पैंट बनियान बनती है, बाम्बू से जर्सी बनती है, बाम्बू से ब्रिजेस बनते हैं, बाम्बू कंस्ट्रक्शन में है। तो मैंने पिछले बार भी साहब को कहा था, मैं बाम्बू में बहुत काम करता हूँ, बाम्बू मिशन भी भारत सरकार का है। तो इंटरनेशनल अभी बाम्बू का, मालदीव का एयरपोर्ट बाम्बू में बना, कतार का फुटबॉल स्टेडियम बाम्बू का बना, बंगलोर का एयरपोर्ट बना। तो मुझे लगता है IIT के साथ और प्रोडक्ट डिजाइनिंग के साथ एक बाम्बू, ये आसाम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, तो इसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का कोई स्टेट का बहुत बड़ा सेंटर बने। मुझे बहुत खुशी है कि मैं स्टील और सीमेंट का खप कम करना चाहता हूँ, मैं बहुत इको फ्रेंडली हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो क्रैश बैरियर बनते हैं NHI में, वो पहली बार छत्तीसगढ़ के एक कंपनी ने बनाए, और वो क्रैश बैरियर हमने लगाए, उसके इंदौर के इंस्टीट्यूट में उसके ऊपर ट्रक जाकर पूरी टेस्टिंग हुई, वो पास हुए, और क्रैश बैरियर अब सक्सेसफुल हुए। मेरी मुख्यमंत्री और सभी नॉर्थ ईस्ट के मंत्रियों से, मुख्यमंत्रियों से प्रार्थना है कि मैं आसाम में इस इंडस्ट्री को डेवलप करूं, मैं NHI के राष्ट्रीय महामार्ग के सब रोड पर क्रैश बैरियर लोहे के बजाय बाम्बू के मैंडेटरी करने के बारे में मैं आग्रह करूंगा, घोषणा करूंगा, पर यहाँ बनने की शुरुआत होनी चाहिए, इसके लिए वो हो गया, यहाँ MOU हो गया, ये भी बहुत अच्छा। दूसरी बात, मैंने CM को कि उसको भी धन्यवाद देता हूँ कि ये जो प्रीकास्ट का जो ब्रिजेस बनते हैं, बीच में पियर आ जाते हैं, रेलवे रोकना पड़ता है, ये पड़ता है, तो एक अब 120 मीटर तक बीच में कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है नई टेक्नोलॉजी से। तो इसका जो ऊपर का बीम बनता है उसकी टेक्नोलॉजी के हमने मुंबई पुणे में हमने एक डाला है, जो अब देश भर में दे रहा है, दिल्ली में आ रहा है, तो मैंने आसाम में भी ऐसा एक डालने के लिए प्रोत्साहित करो कहा था, वो भी उन्होंने किया है। तो इसके कारण मुझे लगता है कि वो भी फैक्ट्रियाँ शुरू हो रही CM साहब के आशीर्वाद से। तो आसाम के इसके बाद प्रीकास्ट का काम आसाम में काफ़ी अच्छे प्रमाण में होगा। एक रिक्वेस्ट मैं उनको करूँगा, जब मैं पिछले बार आया था उसमें कुछ डेवलपमेंट हुई है, आसाम पेट्रोलियम मिथेनॉल बनाता और ये मिथेनॉल पेट्रोलियम बेस है, कोल से भी मिथेनॉल बनता है, अमोनियम नाइट्रेट बनता है, DME करके गैस बनता है, जो 40% LPG में डालेंगे तो LPG की कीमत 100 रुपये कम होगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ ये जो मिथेनॉल है, इस पर अशोक लेलैंड कंपनी ने ट्रक मैंने बंगलोर में उनका लॉन्च किया 100% मिथेनॉल पर, फिर मैंने बस भी कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने अपने 25 बसेस 15% मिथेनॉल जो डालकर वो भी इस प्रोजेक्ट सक्सेसफुली किया। तो मेरा मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि स्टेट कॉरपोरेशन ट्रक ट्रांसपोर्ट, इसमें आसाम पेट्रोलियम रोज 800 टन मिथेनॉल बनाती है, ये पूरा मिथेनॉल अगर उसमें जाएगा तो मिथेनॉल का रेट है 25 रुपये और डीजल का रेट है 110 रुपये और पोल्यूशन भी कम है। तो आसाम में डीजल में ये डालने से बचत होगी, ये सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है, आप इसमें इनिशिएटिव लेकर ये करिए। मैंने इलेक्ट्रिक में डबल डेकर बस भी लॉन्च की, एयर कंडीशन बसेस लॉन्च की। अब डीजल पेट्रोल हम फॉसिल फ्यूल 16 लाख करोड़ का इम्पोर्ट करते हैं और बाम्बू यहाँ है, तो इसमें इको फ्रेंडली ये निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी भी इसमें ये करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। आसाम में बहुत सीमेंट फैक्ट्री है, आसाम और नॉर्थ ईस्ट के लिए CM साहब हमारा अगर সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।